पिताजी मेरे मजदूरी करते हैं और मैं बहुत ही नीचे फैमिली से हूँ। मेरा आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं है जितना ठीक होना चाहिए। पूरे परिवार, पूरे जितना भी रिश्तेदार से लेकर पूरे परिवार में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और सरकारी गवर्नमेंट जॉब में आया हूँ। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। इस समय मैं शहर के बाघा मोहल्ले में अपने वीडियोग्राफर पत्रकार अनिल कुमार के साथ एक इंस्टीट्यूट में हूं। यहां देखिए मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं और आज यहां खास माहौल है, एक उत्सव का माहौल है। यहां पढ़ने वाले एक दर्जन छात्र छात्राओं ने शानदार सफलता हासिल की है। दारोगा में उनका चयन हो गया। उनके चयन की खुशी में आज उन्हें एक तरह से कहिए कि पार्टी दी जा रही है या खुशियां बांटी जा रही है आपस में। छात्र छात्राएं जितने हैं अपने जो सहपाठी हैं उनके सफलता पर खुशी बांट रहे हैं और उनके साथ हैं यहाँ के टीचर जो कैरियर जोन के नाम से यहाँ इंस्टीट्यूट चलाते हैं। सुनील सर, पूरा नाम तो खैर आजकल पता नहीं चल पाता है, हर नाम के आगे सर लग गया है, तो हमारे साथ हैं सुनील सर। हम उनसे पूरा नाम भी जानेंगे और पूरी यात्रा भी जानेंगे कि आखिर यह शानदार सफलता कैसे आपने अपने छात्रों को दिलाया। थोड़ा परिचय दे दीजिए, पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं गणेश दत्त महाविद्यालय से पीजी किया हूं और मैंने भी बीपीएससी परीक्षा की तैयारी किया। यहां तक कि मैं दरोगा परीक्षा में मैं भी फिजिकल तक पास था, लेकिन दो जगह फॉर्म भरने के कारण मुझे अयोग्य करार दिया गया और तब से मैं बीपीएससी और एसआई की तैयारी कराने में जुड़ गया हूं और तब से मैं तैयारी करवा रहा हूं। यानी आपके यहाँ दो तरह की तैयारी होती है, एक बीपीएससी की और दूसरे दारोगा की। तो स्पेशलाइज्ड किसके आप हैं? ऐसे मैं यहाँ स्पेशल दारोगा और बीपीएससी की तैयारी करवाता हूँ। पिछले जब पीटी परीक्षा हुई तो हमारे यहाँ 65 लड़का लड़की सफल हुए। मुख्य परीक्षा की तैयारी करने का हमें 45 बच्चे ने अवसर दिया और उसमें से 35 बच्चे हमारे मुख्य परीक्षा में सफल हुए। उनमें से कुछ बच्चे फिजिकल में असफल हो गए। 3 लड़की और 6 लड़के का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, 1 या 2 नंबर से छूटे होंगे और बाकी बच्चे जो जितने सफल हुए अभी आप आपके सामने में। तो अभी फिलहाल जो 12 आपके यहाँ बच्चे या कहिए छात्र छात्रे अभ्यर्थी जो भी कहें सफल हुए हैं दारोगा में, आप उनकी सफलता की आज खुशी बांट रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं उनकी सफलता का खुशियाँ बांट रहा हूँ और साथ साथ मैं अपने आगामी बच्चे जो जिनको मैं तैयारी करवा रहा हूँ उनकी प्रेरणा दे रहा हूँ कि तुम भी मेहनत करो तो मेहनत तुम्हारे रंग लाएंगे और सफलता तुम्हारे पाँव को चूमेंगे और इसीलिए मैं ये कार्यक्रम रखा हूँ। देखिए, ये बहुत बढ़िया इनका नज़रिया है कि एक तो खुशी बांटे हैं, दूसरे आने वाले भर्ती होंगे छात्र छात्राएं उनमें उम्मीद जगे कि आप अगर मेहनत करते हैं तो सफलता मिल सकती है और मिलेगी ही मिलेगी। हमारे साथ यहाँ यही के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस साल दारोगा की परीक्षा में सफलता हासिल की है, हम उनसे जानते हैं। एक हैं अंकुर, देखने से आप मॉडल समझ सकते होंगे लेकिन ये दारोगा हो गए हैं, तो इनसे भी बात करते हैं इनकी पृष्ठभूमि क्या है और ये कैसे दारोगा बनने की सोचे। सर, मैं अंकुर, मेरा सर मैं भगवानपुर प्रखंड के दहिया गांव से आता हूं और दारोगा बनने के लिए सर करियर जोन सुनील सर के यहाँ शुरू से ही मैंने पढ़ा और इसी दरमियान सर ने जैसे जैसे बताया उस वैसे मैंने फॉलो किया तो बहुत आसानी हुई दारोगा पीटी परीक्षा। अंकुर एक बीच रोक रहे हैं,
आप देखने में बहुत ये हैं चॉकलेटी जिसको कहते हैं आजकल की भाषा में, तो आप मॉडल भी बन सकते थे, फिर दरोगा बनने के आप कैसे आ गया? सर, सामान्य परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार की परेशानी आप भी जानते होंगे, और बहुत बड़ी घर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रहती है, और बिहार में बेगूसराय में एक सरकारी नौकरी का क्रेज आपको पता ही होगा कैसा क्रेज है। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पेशे से अधिवक्ता हैं, दिवाकर राय उनका नाम है, दहिया उनका मेरा घर हुआ सर। अच्छा, तो दारोगा बनने का क्या कैसे आया जहन में, ये जानना चाह रहे हैं। मेरे जिगरी मेरे सबसे प्रिय मित्र कन्हैया, अच्छा। उन्हीं से हमको दारोगा बनने के लिए प्रेरणा मिला। उसके पीछे अगर कहते हैं सफल व्यक्ति के आगे कोई पीछे इंसान खड़ा होता है तो मेरे जिगरी कन्हैया ही। तो कन्हैया आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कन्हैया कुमार है, हम बलिया प्रखंड के मीरलीपुर गांव से हैं। अच्छा जी, सुदूर क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र है मीरलीपुर। दियारा क्षेत्र। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान हैं। क्या नाम है उनका? अमर सिंह। अच्छा, किसान। किसान है जी। तो यहाँ सुनील सर जो है आपके, जहाँ आके आपने दरोगा बनने का सपना पूरा कर लिया जी, इनके बारे में किसने बताया आपको? सर, इनके बारे में सर पहली बार यहाँ से पोस्टर में भी सर देखे थे, और नाम भी वहाँ पे बहुत मेरे सीनियर जो थे सर। अच्छा, यहाँ ये बोले थे। हाँ, यहाँ से दूर था बाघा, तो हम सर को स्पेशली कहे थे वहाँ पे कोचिंग खोलने के लिए। वहाँ पे कहाँ कोचिंग खोले? काली स्थान के आगे हेमरा चौक पे। अच्छा, चलिए, आपके जन्म दरोगा बनने का कैसे ख्याल आया? स्टार्टिंग से ही हमें मतलब वर्दी पहनने का, शुरू से ही हमें वर्दी पहनने का शौक था। कब से शौक जगा? स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में? जब गांव में ही थे तो पुलिस जब मेरे गांव आती थी तो हमें भी लगता था कि हम भी वर्दी पहन के मतलब। पूजा, ये बताइए कि हम लोग आपको वर्दी में कब देखेंगे? अब तो वर्दी ज्वाइनिंग होना बाकी है, अभी अभी पुलिस लाइन से अभी टाइम है, ज्वाइनिंग होगा तो फिर हम आप लोग को दिखाएंगे। ऐसा मौका आएगा कि एक साथ जो 12 यहां से आप लोग चुने गए हैं, 12 भी जो 12 सारे के सारे एक बार वर्दी में आएंगे? हाँ आएंगे, सर को दिखाने तो जरूर यहाँ आना पड़ेगा हम लोग को। लोग डर ना जाए आसपास के, 12 दरोगा एक साथ का आ गया। बिल्कुल 12 दरोगा एक साथ का बिल्कुल आएंगे सर से आशीर्वाद लेके, फिर जब हम लोग का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो फिर सर से मिलने आएंगे, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। चलिए पूजा, आपको हमारे खबर पोस्ट की ओर से भी हार्दिक बधाई कि आप सच में लोगों के लिए प्रेरणा है, और आपने जिस मुफलिसी में रहते हुए दरोगा बनने का सपना पूरा किया है वो वाकई में अपने आप में अनोखा है, और आप बहुत खास हैं पूजा। इस मामले में आपके मित्र हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रियंका हैं, ये भी पूजा के साथ ही दरोगा बनी है। प्रियंका बताइए अपने बारे में। मैं प्रियंका कुमारी, मेरा घर मधुबनी जिला में हुआ, और बेनीपट्टी में डुमरा चतरा के नाम से जाना जाता है, और वहाँ 10th वहीं से हम किए हुए हैं, और 11th 12th और ग्रेजुएशन यहाँ से बेगूसराय से हुआ। पापा यहीं जॉब करते हैं। किस चीज़ में है पापा? प्राइवेट जॉब है उनका। अच्छा, क्या नाम है पापा का? श्री अरुण कुमार झा। अच्छा, तो आप मधुबनी के रहने वाले? मधुबनी के। यहाँ कहाँ रहती हैं? यहाँ हरर माधव चौक पे रहते हैं। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला, और दारोगा बनने का मन में कैसे ख्याल आया लंबाई देख के? नहीं मतलब सब भाई हम लोग के ग्रुप में है, वो लोग हमको बहुत सपोर्ट किए, बोले कि तुम्हारा हाइट है और लड़की को प्रेफरेंस दिया जा रहा है तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे मेरा एम था SSC, पर सब बोले तो फिनिश लाइन में आ गए कि मेरा लेवल था मतलब बोलते हैं मतलब बहुत ही कम लेवल था जीके का। अच्छा। और यहाँ आए उसके बाद उनको जीके में इंटरेस्ट हुआ और पढ़े, उसके बाद यहाँ है। शानदार माहौल है। हाँ, शानदार माहौल बहुत अच्छा मिलता है पढ़ाई का, आपका मतलब कंपटीशन मिलता है, और साथ ही साथ जो सर मतलब पूछताछ करते रहते हैं, और सप्ताह में वीकली टेस्ट लेते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा रहता है। मेरे साथ दो और दारोगा हैं, राम और रोहित। तो पहले हम राम से बात कर लेते हैं। राम, बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम राम कुमार हुआ, और मेरा घर नाकोटी प्रखंड समसा पड़ता है। थोड़ा दरोगा वाला टोन होना चाहिए। और हम वहीं से मतलब 10th तक किए थे, उसके बाद बेगूसराय आ गए पढ़ने के लिए, और यहाँ निरंतर ग्रेजुएशन हुआ, और मतलब यहाँ सुनील सर के यहाँ से पढ़ते गए, और यहाँ से पिछले बार 2-3 को लड़का और लड़कियाँ निकली थी, तो वहीं से मुझे भी प्रेरणा मिली, और हम भी सर से बात किए सर हम भी दरोगा बनेंगे, और उस तरह से सर हम लोग को गाइड करते गए और बताते गए, और हम आज सफलता मिल गई। चलिए, बहुत बधाई हो। और यहाँ रोहित हैं, रोहित इधर आइए, बताइए अपने बारे में। रोहित कहाँ से आए? जी धन्यवाद, मेरा नाम रोहित है,
और मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट भगवानपुर प्रखंड की एक सुदूर गांव है सहलोड़ी, वहां का निवासी हूं। पिताजी क्या नाम? हाँ, मेरे पिताजी का नाम सुरेश महतो है और मेरे पिताजी खेती करते हैं, किसानी करते हैं। और यही है कि मुंबई के ट्रेन में अगर बैठना है तो भीड़ में शामिल हो जाइए, खुद ब खुद आप बोगी में चले जाइएगा। तो दोस्त लोग तैयारी कर रहे थे तो हमें भी जिज्ञासा जगा कि भाई करना चाहिए ये, और हमने भी सफलता पाया। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो कुछ अलग प्रभाव होगा। हाँ, मतलब ये है कि गांव में एक तो आ जाता है लोगों के अंदर ये बात कि नहीं शादी नहीं हुई अभी। नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ है। एक मिनट, ये एक बात छुपा रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, ये SSC GD में भी सफल हुई, वो छोड़ के आए हैं दरोगा बन। और सर के सिखलाई के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी सिखलाई सर देते हैं वो मसल्स मेमोरी में फिट हो जाता है, और जो भी चीज़ें आदत में शामिल हो जाती है उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसलिए कहना चाहेंगे कि फॉलो कीजिए, और सर का धन्यवाद, और उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में जो भी मदद किया तहे दिल से शुक्रिया। जी मिथिलेश कुमार नाम। मिथिलेश कहाँ से हैं आप? जी बकरी प्रखंड के गंगरौर गांव। बकरी प्रखंड के गंगरौर गांव से। क्या नाम है पापा का? श्री लाला रा। अच्छा, आप कैसे दरोगा बनने को मनवाया? जी जब दरोगा की वैकेंसी आई तो सिर्फ दरोगा का काम तो हम समाज में देखते ही थे। दरोगा चाहे तो आप किसी भी इलाके में एक गरीब को बहुत ही न्याय दिला सकते हैं। और जब वैकेंसी निकली तो मेरे दिल में इस बात को जगा कि हम भी अपने समाज के लिए और जहां भी मेरा ड्यूटी होगा वहां के समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम करूंगा और हर एक गरीब को न्याय दिलाऊंगा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे मजदूरी करते हैं और मैं बहुत ही नीचे फैमिली से हूँ, मेरा आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं है जितना ठीक होना चाहिए। पूरे परिवार, पूरे जितना भी रिश्तेदार से लेकर पूरे परिवार में मैं पहला व्यक्ति हूं जो इस मुकाम पे पहुंचा हूं और सरकारी गवर्नमेंट जॉब में आया हूं। ये बड़ी बात है मिथिलेश जो बता रहे हैं। क्या नाम बताया पिताजी का? लाला राय। लाला राय मजदूर परिवार से आते हैं, इनके पिताजी मजदूरी करते हैं, और मिथिलेश बता रहे हैं कि पहला शख्स है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में भी जिन्हें सरकारी नौकरी लगी है, और वो भी पहली नौकरी में ही दारोगा बनना एक मजदूर परिवार के लिए ही नहीं पूरे ज़िले के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा जो सपने डर से नहीं देखते हैं। सपना देखने का अधिकार इस देश में, इस लोकतंत्र में हर एक को है, और उसे पूरा करने का जज्बा भी होना चाहिए बशर्ते आप में इच्छा शक्ति हो। हमारे साथ इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बाघा के शंकर साव के पुत्र अविनाश कुमार हैं। देखने से अभी लगते होंगे इंटर के छात्र, लेकिन ये दारोगा हो गए हैं। कैसा लग रहा है अविनाश? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। लगता नहीं कि बहुत जल्दी दारोगा बन गए? सर ये तो 24 साल है, फिर भी लग रहा है अभी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। नहीं, यही देख के जो अच्छा नहीं लगता है कि बहुत जल्दी दारोगा बन गए? जी सर, ये मेरा दूसरा प्रयास था। फर्स्ट अटैम्प्ट जो 2017 में दारोगा था उसमें हम रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो दारोगा बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाली नौकरी होती है, पता है ना? पता है। नमक का दारोगा पढ़े थे? जी सर। कौन लिखे थे? अब याद नहीं है। प्रेमचंद। और दारोगा की जिम्मेवारी उसमें बताए थे कि कैसे दारोगा को काम करना होता है। लेकिन अभी जो आपकी उम्र लग रही है ऐसा लग रहा है कि इंटर के छात्र हैं। मेरे पिता एक छोटे से किसान हैं। सर मैं पहले SSC कर रहा था, तो SSC 2017 में कुछ SSC में प्रॉब्लम आई, तो उसके बाद मैं कुछ दिन बैठा रहा था। इसके बाद मेरे घर के बगल में ही कोचिंग था करियर जोन, तो जिस समय मैं यहाँ ज्वाइन किया उसी समय 2017 की पहली बार बिहार SI का फॉर्म आया था और मैंने फिलअप किया, और किसी तरह मेरा PT उस समय निकल गया। जैसे ही निकला तो मुझे थोड़ा जुनून आई, मैं मेंस क्वालिफाई किया लेकिन रनिंग में डिसक्वालीफाई हो गया। लेकिन जब 2019 में वैकेंसी पुनः आई तो इस बार मुझे यकीन था और मुझे एक बार सफलता मिलेगी, और लगातार लगा रहा और सफल भी हुए।